लगा है हुकूमत में अहलियत ही नहीं, हमने क्या गिराना है खुद ही गिरेगी। बिजली की लोड शेडिंग, तवानाई बहरान, मुल्क की मैशियत आज वेंटिलेटर पर और कौम सकते में है। हुकूमत में मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुकम्मल करने की अहलियत ही नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, वजीर इत्तला की सहाफियों से बदतमीजी की भी मजम्मत, बोले अब तो सहाफियों पर भी बिजली गिराई जा रही है। हनीफ अब्बासी की बेटी को किसी ने हिरासा नहीं किया, इंक्वायरी मौजूद है, हमने किसी को निकालना होते तो आते ही निकाल देते। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पंजाब असेंबली के फ्लोर पर इजहार ख्याल। वजीर इत्तला की सहाफियों से बदतमीजी, ओपोजिशन जमातें भी सहाफियों के साथ खड़ी हो गई। इजहार यकजहती के लिए असेंबली की सीढ़ियों पर सहाफियों से मिलकर नारेबाजी की, सहाफियों के साथ हैं। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान, पीपल्स पार्टी ने फयाजुल हसन चौहान के इस्तीफे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। सहाफियों को बदतमीज कहना शर्मनाक है, फयाजुल हसन चौहान माफी मांगे, हसन मुर्तजा का दावा। बायकॉट बायकॉट, वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान के पंजाब असेंबली के बाहर डाइस पर आने पर सहाफियों के नारे। वजीर इत्तला मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चलते बने, बाद में मीडिया से बदतमीजी करने का राज खोल दिया। बोले सवाल से पहले चिट आई, लिखा था बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, परेशान था, समझ ना आया और बोल गया, किसी को बुरा लगा हो तो माजरत खां हूँ। वजीर इत्तला मैंने रोते रोते तकरीर की काजी साहब की याद में, सहाफी ये कहता है कि जिस काजी हुसैन अहमद की याद में आप प्रोग्राम कर रहे हैं उस काजी हुसैन अहमद का अमीर ये इमरान खान साहब के हवाले से बातें करके गया है, उस मौका मुनासिबत से वो गलत सवाल था, मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया, अगर किसी को बुरा लगा वेरी सॉरी। हेलमेट की पाबंदी को खातिर में ना लाने वालों के गिर शिकंजा मजीद सख्त, अब हेलमेट के साथ मोटरसाइकिल भी बंद होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए, जराए बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को ईंधन फराहम करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। पहले पांच इजलासों में हल्फ ना उठाने वालों की रुकनियत मंसूख की जाए, पंजाब असेंबली के कायदो जवाबित, 1997 में तरमीम का नोटिस पंजाब असेंबली में जमा, जो शख्स हल्फ ना उठाए रुकनियत मंसूख की जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली मोमना वहीद की जानिब से जमा कराए गए नोटिस का मतलब। एक और बच्चा पतंगबाजी के खूनी खेल की भेंट चढ़ गया, मिस्र शाह में 14 साल सोहेब ने कटी पतंग को लूटने की कोशिश में डोर को पकड़ा ही था कि डोर बिजली के तारों पर जा गिरी और करंट लग के बच्चा जहां बहक हो गया। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया, वालिदैन को गशी के दौरे। पतंगबाजी खूनी खेल, बसंत की इजाजत देना इंसानी जानों के लिए खतरा, जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त, बसंत की इजाजत को कालेदम करार देने की इस्तदा, हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी आईजी और दीगर को बुलावा, 15 जनवरी को जवाब तलब। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मजीद समाप्त के लिए दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन को भिजवा दी। मेट्रो ट्रेन का पहिया जून जुलाई तक चल पड़ेगा, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का ऐलान, 300 अरब रुपए लग गए मंसूबा बंद नहीं कर रहे। वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान की हरकत पर सीनियर वजीर की माजरत, हुकूमत की जानिब से सहाफी बरादरी से माफी मांगता हूँ, अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाब दे था, मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है, और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। गाड़ियां हिफाजत के हिसार में लिबर्टी ई पार्किंग शुरू, गाड़ियों के आने और जाने पर कैमरे की नजर, ओवर चार्जिंग और करप्शन की मुसीबत से भी छुटकारा, लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से शहरियों के लिए एक और सहूलत।
कस्टम्स इंटेलिजेंस की सगिया पुल के करीब बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की 16,000 किलो से जायद स्मगल शुदा छालियां कब्जे में ले ली गई, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया। पुरकशिश नंबरों की नीलामी का दूसरा रोज, महकमा एक्साइज के दफ्तर में दूसरे रोज भी रौनकें, कमर्शियल गाड़ियों की सीरीज LES 19 की नीलामी, एक नंबर 1 लाख में बिका, 786 नंबर 1,26,000 में फरोख्त हुआ।